हाँ, तो स्टोरी पे था। तो 2018 से स्टार्ट हुआ, तो तब तो ये था कि कुछ करना है, कुछ करना है, और बच्चों को फ्री में कंटेंट देना है, फ्री में एजुकेशन देना है। आनंद कुमार सर से बहुत इंस्पायर थे उस टाइम पे, तो ऐसा लगता था कि उनके कुछ उनके जैसा करना है। और ये तो सोचा नहीं था कि कभी प्लेटफॉर्म इतना ग्रो करेगा, कौन सोच सकता है इतना। कुछ उस टाइम 20-30,000 सब्सक्राइबर हुए थे, वो भी एक साल कंटिन्यूस वीडियोज़ बनाने के बाद। ऑल दिस इज़ माई वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज टू ऑल द यंग एजुकेटर्स। मैं भी यंग हूँ, मतलब यंग मतलब इन द सेंस ऑल द न्यू एजुकेटर्स हु आर कमिंग ऑन यूट्यूब, न्यू इन सेंस ऑफ ऑनलाइन। आप ये सोचते हो कि आके मैं 3 महीने में हिट हो जाऊँ, 4 महीने में मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, और ये मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे, ये 500 सब्सक्राइबर हुआ है, इतना वीडियो डाला है। तो मैं वो बताता हूँ कि मैंने एक साल 2017 से 2018 लगातार वीडियो डाले, तब मेरे सब्सक्राइबर 20,000 हुए थे, एक साल कंटिन्यूस वीडियो, और 1 रुपये नहीं कमाया। आई एम ट्रूथफुली स्पीकिंग, मैंने 1 रुपये नहीं कमाया था। जनवरी 2018 में पहली बार मेरी रेवेन्यू जनरेट हुई थी, जो कि फेब में आई थी 8,000 रुपये, एक साल काम करने के बाद। तो ऑल द यंग एजुकेटर्स वॉन्ट टू कम ऑनलाइन ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, बाकी किसी प्लेटफॉर्म पर आप देते हो वहाँ देर इज ओके। सो यहाँ पर टाइम लगता है, यू हैव टू वर्क हार्ड, और यू हैव टू वर्क विदाउट थिंकिंग अबाउट मनी, तब पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि नहीं है पैसे, पैसे हैं यहाँ पर, कोचिंग जितने हैं उससे अच्छे हैं, बट उसके लिए पहले आपको पैसा दिमाग से हटाना होगा, काम पर। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। तो यंग एडिट्यूबर्स के लिए एक मैसेज था, अगर आपके टीचर्स हों जो लॉकडाउन में इस टाइम पढ़ाना चाह रहे हो, ऑनलाइन आके फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ कि तुम ही लोग को फ़ोन कर रहा हूँ यार, इसके इतने बड़े सब्सक्राइबर है, मेरे क्यों नहीं हो रहे हैं, तो आप डरो नहीं, आप एक रिस्क लो, आप जीरो से स्टार्ट करो और उसको बिल्डअप करो। एक साल आप उसके अंदर सिर्फ दो लेने मत आओ, इस प्लेटफॉर्म से लोग यहाँ लेने आ रहे हैं कि यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ऑडियंस मिलेगी, उसको कन्वर्ट करेंगे, लेने नहीं आओ, यहाँ देने आओ, अपने आप ऊपर वाला आपको देना स्टार्ट कर। यूट्यूब इज समथिंग जहाँ पे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा चैनल है, अगर उसके ऊपर मैं आज एड जो होती है वो एक्टिवेट कर दूँ, किसी को आइडिया है मैं कितना कमा सकता हूँ? बहुत मतलब क्या होता है मीन बाय बहुत? साल का 40 से 50 लाख, वो अलग बात है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग समथिंग परफेक्टली, तो सक्सेस अपने आप मिलनी शुरू होता है। ये नहीं कि मुझे रातों रात वो बन जाना है, ये भी लोगों की प्रॉब्लम है। मैंने अभी एक काम शुरू किया है, मैंने यूट्यूब पर अपनी वीडियोज डालनी शुरू करी है, लेकिन इसमें तो कोई यूज ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, डालना ही बंद कर दो। 2-3 वीडियोज डाली, डालनी बंद। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा, कि आपके अंदर से आया कि मेरे अंदर एक टैलेंट है, मैं लोगों को मान लो हंसा सकता हूँ, आ रहा है आपके अंदर से, आ मेरा नेचुरल टैलेंट है। ये जो बंदे हैं यूट्यूब पर डाल रहे हैं, मान लो इंटरनेशनली कोई डाल रहा है, सुपर वुमेन करके जानते हो आप लोग, तो वो अपनी वीडियोस डालती है, तो आपने उसको देखा, आपने कहा यार ये जो कर रही है ना, मैं इससे बेटर कर सकता, या मैं कर सकता, बेटर भी छोड़ो, मैं भी ये कर सकता, आपने डालना शुरू किया। तो दैट अब आपने ऑनेस्टली अपने आप से बोला कि मेरा काम आज किस लेवल, तो अब आपको समझ आएगा कि मेरा काम उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए, मतलब काम में दम नहीं, इसलिए व्यूज नहीं। अब आपने रिकॉर्डिंग को छोड़ा नहीं, क्योंकि इसमें आपको जान ही रहा, फ्री में काम हो रहा है, अपने घर में मोबाइल से रिकॉर्ड किया, बनाया, डाला, एक डाला, दो डाला, 10 डाला, 20 डाला, इसमें जा क्या रहा है? लोग यहाँ पर भी रुक जाते हैं। तो मैंने एक वीडियो डाली, कुछ हुआ नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय, एक दिन में कुछ होता है। जब मैंने सेशन अपने कभी शुरू करे थे, लोग रजिस्टर करते थे, उसमें आधे से ज़्यादा लोग आते नहीं, आधे से ज़्यादा चेयर्स खाली पड़ी रहती, समझ रहे हो? तो क्या मैंने सेशन करने बंद कर दिए? और आज ये है कि अगर मैं एक कहीं पर पोस्ट डाल दूँ तो लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे, तो कैसे हुआ? क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने किया तो मैं करता रहा, उसको छोड़ा नहीं, नेवर गिव अप। और वो नेवर गिव अप कैसे आता है, इसको ध्यान से समझो ना, समझना होता है कि अब मुझे क्या करना है। नंबर वन, मेरे अंदर से आया कि मेरे को ऐसी वीडियो उठा करके डाली, कॉमेडी वीडियोज आपने डाली, अब आपने अपनी वीडियोज को ध्यान से देखा, ये काम का ही पार्ट, काम का पार्ट सिर्फ ये नहीं कि आपने वीडियो उठा के डाल दी और अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम से व्यूज आ जाएंगे, नहीं, अब आपने देखा कि अच्छा वो क्या कर रहा है जो सक्सेसफुल है इस फील्ड में, और मैं क्या, कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, तो आपको अपनी गलतियाँ पकड़ लें, आपने उसको इम्प्रूव किया, फिर डाला, फिर व्यूज लिया, फिर डाला, फिर व्यूज लिया, एक ऐसा लेवल आ गया कुछ महीने बाद जा करके, जहाँ पर आप ये करते चले जाए। कोई भी स्किल एकदम से डेवलप नहीं है, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना? आपको स्केटिंग सीखनी है, एकदम से सीख जाओगे क्या? इट टेक्स टाइम, इट मीन्स प्रैक्टिस। तो फिर क्या हुआ, आपने डाला 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 डाला, डालते रहे कुछ महीने तक, डालते रहे, अब आपको समझ आ रहा है, अब आप अपने आप से ईमानदारी से देख करके बोल रहे हो, अब मेरे कंटेंट में दम है, मतलब अभी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, 6 महीने पहले डाला था उसमें दम नहीं था, लेकिन आज दम है, लेकिन तब भी व्यूज़ नहीं। तो आपने कहा अब मेरे प्रोडक्ट में तो दम है,
लेकिन बिक नहीं रहा, तो मुझे क्या चाहिए? मार्केटिंग चाहिए। अब मैं किस तरह से, क्योंकि कंटेंट में दम है, मतलब कम लोग आ रहे हैं देखने के लिए वीडियो, लेकिन जो आ रहे हैं वहां से कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स अच्छे आ रहे हैं, मींस कि इसमें कोई कमी नहीं है मेरे काम में, लेकिन नोबडी इज वॉचिंग दैट, समझ गए ना, कमी लोग देख रहे हैं। अब मैं क्या, अब मार्केटिंग कैसे करूं? अब आप सीख रहे हो उन लोगों से जिन्होंने अपनी मार्केटिंग करी, जो लोग सक्सेसफुल हुए आप ये देख रहे हो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से शुरू किया ही था ना,